सबक भाई भीषम सहनी जी उनको चाहता हूँ, जहमत देता हूँ कि वाय और अपनी बातों को चंद मिनट में पेश करें। राय बारी महुआ झार में हुई के प्रांगण में मैं सबसे पहले इस मातृभूमि इस जमी को मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। कौमी एकता मुशायरे के अध्यक्ष हमारे मित्र जदयू के नेता नौशाद अख्तर जी और उनके साथ तमाम इस आयोजक मंडल साथी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण जो है मुशायरे का आयोजन अपने अथक परिश्रम से अपने मेहनत के बल पर कराए। मैं उनके इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसके बाद इस मंच के आगे जो श्रोता बंधु सम्मानित आदरणीय जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को अपने हृदय से नमस्कार सलाम आदाब प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस मंच मंचासीन राज्यसभा के सांसद आदरणीय साबिर अली साहब जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, लोकसभा के सांसद, हमारे अभिभावक बड़े भाई आदरणीय पूर्णवासी राम जी, युवाओं के धड़कन हर दिल अजीज, वाल्मीकि नगर के लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी, मंचासीन संजय जाधव जी, चौरसिया एम कुमार जी और इस महफिल में इस देश के नामी गिरामी मुशायरे में जो आए हुए हमारे मेहमान हैं, मैं इन सभी को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज कौमी एकता मुशायरे का आयोजन किया गया है। मैं आप लोगों के बीच में दीवार नहीं बनूंगा, लेकिन वह इतना ही चंद शब्द कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो महाभारत की गाथा लिखी गई थी उसकी पटकथा लिखने वाला कोई हिंदू नहीं, मजरू सुल्तानपुरी मुसलमान ही था कहना चीज को। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध हुई तो हिंदुओं के साथ अगर बहुत आदर के साथ सभी लोग नाम लेते हैं तो जंबाज मोहम्मद हमीद का जो है पाकिस्तान टैंक को खत्म करने वाला इसी था। और आज संगीत के दुनिया में हम अगर चलते हैं, अगर तो वहां नदीम सरवन का राम रहीम वह हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ चंद लोग अपनी स्वार्थ के लेकर हमारी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास करते हैं उससे ना देश बनेगा, ना समाज बनेगा, ना हमारा बिहार बनेगा। और मैं जो कौमी एकता मुशायरा का जो आयोजन करने वाले हमारे नौशाद भाई, हमारे फजलुर रहमान जी, तमाम जो है हमारे जो साथी हैं, मैं उनका फिर आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मैं सभी दर्शक बंधु के साथ आदरणीय मंचासीन लोगों को प्रणाम सलाम नमस्कार करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।